हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। गाइस, ये स्टैटिक पार्ट है और यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका एक नंबर पक्का हो गया। इस बात की गारंटी मैं अभी इसी वक्त लेता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। मैं सारा का सारा आपको ट्रिक्स की हेल्प से बताने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा आप। ठीक, ये है लेक, ये स्टेट। पहला है भाई चिल्का लेक। चिल्का लेक ये कहाँ है? ये है उड़ीसा में, है ना गाइज? ये तो वैसे पता होना चाहिए आपको कि उड़ीसा में, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ट्रिक क्या है इसकी कि देखिए भाई, चिल्का लेक के अंदर बढ़ा रहा चील, अब है ना चील, और यहाँ आ गया उड़ी। तो अपन ने बोला भैया एक चील आसमान में उड़ी, ऐसा ध्यान रख लीजिए कि एक चील, चील का झुंड है, तो एकदम से उड़ गया वो, है ना? इतनी सारी चील एक साथ उड़ी, तो चील उड़ी, तो चिल्का उड़ीसा, आपको याद आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज, अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक, सेकंड है कोलेरू लेक, है ना? यह है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। गाइज, इसे कैसे ध्यान रखेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, सारा ट्रिक है पूरा। कोलेरू के अंदर का वर्ड उठाया मैंने कोल, और आंध्र प्रदेश के अंदर का वर्ड उठाया अंधा, आंध्र को अंधा बना लिया मैंने। अब ये कोल की बात कर रहा हूँ, ये वाले कोल को COAL बना लीजिए आप, मान लीजिए। तो ये कोल, कोल कैसा होता है? काला होता है ये, ठीक है, कोल काला होता है, कोयला। और अंध, अंधा को मैंने बना लिया, अगर जैसे आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, तो सामने कुछ नहीं दिखेगा, फिर काला दिखेगा अपन को, ठीक है? या कोई अंधा, कोई अंधा व्यक्ति है तो उसको सामने क्या दिखेगा ही नहीं, तो वो काला दिखेगा, उसको काला काला महसूस होगा। तो बस मैंने ऐसे विजुलाइज़ कर लिया कि कोलेरू मतलब कोल काला होता है, और अंधा अगर कोई बंदा होगा तो उसको भी काला काला नज़र आएगा। तो कोलेरू लेक को मैंने आंध्र प्रदेश से लिंक कर लिया, मुझे ऐसे याद होगा गाइस, है ना? तो आपको भी याद होगा आई होप, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली क्या था, मैंने अभी एक एग्ज़ाम दिया था CGL का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कोलेरू लेक, जिसका आंध्र प्रदेश था, और मैं उसको छोड़ के आया था। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने बाद में देखा, मैंने कहा ट्रिक बनानी पड़ेगी गाइस इसको। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, आपको याद आना चाहिए कोलेरू लेक, कोलेरू लेक का क्या है, आंध्र प्रदेश, क्योंकि कोल, कोलेरू कोल काला होता है, और अंधा होने के बाद भी काला काला नज़र आता है, तो ऐसे विजुलाइज़ करिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है लोकटक लेक, है ना? ये कहाँ है? यह है मणिपुर में। गाइज, इसको कैसे ध्यान रखेंगे, आप देखिए मणिपुर के अंदर वर्ड उठाइए मणि, और ये मणि वाली बात कर रहा हूँ मैं, नागमणि होती है ना, नागमणि जो सांप के पास होती है, नागमणि इक्षाधारी नाग के पास, वही मणि की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब जैसे मणि है ना, मणि आपको मिल गई और आप उसको खा गए, आप उसको विजुलाइज़ करिए, आप उसको खा गए तो फिर वो कैसी रहती, कड़क रहती, तो आप कैसी आवाज़ आएगी, कटक कटक आवाज़ आएगी ना अपने मुँह में, है ना? क्योंकि वो तो इतनी हार्ड होती है मणि, है ना? तो जब भी आप अगर उसको कोई खाएगा तो कटक कटक आवाज़ आएगी, तो कटक कटक से मैंने बनानी है लोकटक। तो मुझे याद हो गया कि लोकटक लेक इक्वल्स टू मणिपुर, ये मणिपुर में है। गाइज, आपको भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, ऐसे ही विजुलाइज करिएगा, करेंगे आप तो आपको याद रहेगा। ठीक, तो क्या था, मणि अगर आप खाएंगे तो कटक कटक आवाज़ आएगी, तो कटक कटक को मैंने बनानी है लोकटक, और ये हो गया मणिपुर, आपको भी याद आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज, अगर पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, फोर्थ है लोनार लेक। लोनार लेक है महाराष्ट्र में। ठीक है गाइज, इसको कैसे ध्यान रखेंगे, इसकी ट्रिक यह है कि लोनार को मैंने बना दिया लोनावला, ठीक है, जहाँ बिग बॉस का शूट होता है वो लोनावला में ही होता है ना? और ये महाराष्ट्र के अंदर ही है, ये पूरा एरिया पुणे मुंबई महाराष्ट्र सब लगा हुआ है, लोनावला महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो मुझे याद हो गया भैया कि लोनावला महाराष्ट्र के अंदर है, मतलब लोनार लेक महाराष्ट्र में है। ओके, आपको भी याद आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए गाइस ये वीडियो बनाया, ये वीडियो मतलब टॉप क्लास का वीडियो है। आपने इधर से पढ़ लिया, आपका एक नंबर पक्का हो गया, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करिएगा आप। ठीक है, फिफ्थ है पेंगोंग लेक। ये कहाँ है दोस्तों? ये है जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, पेंगोंग लेक क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। अब मैंने कैसे याद रखा इसको, इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि पेंगोंग के अंदर मैंने पेंग उठा लिया, मतलब पंगा, पंगा लिख लिया इसको, पंगा बना लिया, PANGA, PANGA। ठीक है, तो मुझे याद हो गया भैया कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, हर वक्त पंगे होते रहते हैं, अपनी इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में पंगे होते रहते हैं। ठीक है, तो पेंगोंग को मुझे याद हो गया कि भैया जम्मू एंड कश्मीर में बहुत पंगे होते हैं, तो आप भी ऐसे ध्यान रखिएगा कि पेंगोंग लेक इक्वल्स टू जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इंपॉर्टेंट है। ठीक, सिक्स्थ है पुलिकट लेक। क्या है पुलिकट लेक? यह है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे। गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका काफ़ी सोचा, बट मेरे पास ट्रिक थी नहीं इसकी, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि याद कर लीजिए आप इसको, कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है। ठीक है ना? बाकी मेरे पास एक फनी ट्रिक है, अगर समझ में आया तो देख लेना थोड़ी। अब देखिए क्या है, पुलिकट के अंदर वर्ड आ रहा है काट, है ना, कैट, कैट। तो मैंने कैट को काट बना लिया,
अब क्या हुआ भैया, कुछ लड़के थे, उनकी लड़ाई हो गई यहाँ वहाँ, ठीक है। तो एक लड़के ने यहाँ आके उसको काट लिया, उसके हाथ में काट दिया, तो वो उसको गाली बकरा, अरे अरे मतलब डैसू, आप समझ गए ना आप इसको तमिलनाडु को क्या बोलेंगे, कुछ गाली वर्ड में आ रही होगी ना। तो बोल रहा है, अरे डैसू तो मुझे क्यों काट रहा है, तू इसको काट ना जिससे तेरी लड़ाई हुई है, अंधा है क्या, है ना। तो वो उसको बोल रहा है कि अबे डैसू मुझे क्यों काट रहा है, अंधा है क्या, जिससे तेरी लड़ाई हुई है तू उसको जाके काट, उसको जाके मार, मुझसे मत बोल, ठीक है। तो मुझे ऐसे याद हो गया, मैंने बना लिया, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, ठीक, वरना आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी। सेवन्थ है सांभर लेक। सांभर लेक ये है कहाँ, राजस्थान में है, कहाँ है, राजस्थान में। अब भैया इसको कैसे याद रखेंगे, याद रखने की ट्रिक ये है कि भैया ये सांभर का सांभर उठा लीजिए, आपने इडली सांभर तो खाया होगा ना, वही वाला सांभर की बात कर रहा हूँ, और राजस्थान का राजा है ना, वो एम है जो एन है बल्कि एम बन गया, तो राजा। अब भैया राजा साहब एक दिन क्या कर रहे थे, सांभर खा रहे थे, इडली सांभर, और उनके सांभर में क्या हुआ, नमक ज़्यादा हो गया है ना, उनके सांभर में नमक ज़्यादा हो गया, उनने सिपाही को उठा के दिए धमाधम धमाधम कि साले एक तो नमक ज़्यादा कर दिया सांभर में। तो राजा साहब के सांभर में नमक ज़्यादा था तो उनको गुस्सा आ गई। तो मुझे ऐसे याद हो गया भैया कि राजा साहब सांभर खा रहे थे इडली सांभर, और उसका टेस्ट ख़राब हो गया क्योंकि नमक ज़्यादा था। तो मुझे याद हो गया, आपको भी याद आना चाहिए, यही तरीका है भैया याद करने का लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, वरना अपन एक बार याद करते हैं भूल जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड यूज़ होना चाहिए, ऐसे टाइम पास करके नहीं जाना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम अपना, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए आप मेरे साथ, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा गाइस, है ना। इसके अलावा मैंने क्या किया है, प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें CM, PM, कैबिनेट मिनिस्टर्स, अलॉयस, PH वैल्यू, है ना, काफ़ी कुछ पढ़ाया मैंने, है ना, उसमें रिवॉल्यूशंस, सारा का सारा ट्रिक्स की हेल्प से। अगर आप एक बार 10 मिनट का टाइम निकाल के जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बिल्कुल निराश होकर नहीं आएंगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, सारा का सारा मैंने ट्रिक्स की हेल्प से बताया है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 8th, तसो मरारी लेक, ये कहाँ है, यह जम्मू एंड कश्मीर में है, कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है, तसो मरारी लेक। गाइज इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ भी वही तसो मरारी के अंदर मारा मारी, मैंने तसो मरारी को मारा मारी कर लिया कि भैया मारा मारी कहाँ चलती है, जम्मू एंड कश्मीर के पीछे मारा मारी चलती है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तसो मरारी, मतलब मारा मारी कहाँ चलती है, जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि सबको वो चाहिए कश्मीर, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, ऐसा बोलते रहते हैं सब, लेकिन सबको पता है कश्मीर सिर्फ हिंदुस्तानियों का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9th है भीमबनाड लेक, यह है केरला में, कहाँ है, ये केरला में। दोस्तों इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए भीमबनाड के अंदर मैंने वर्ड उठा लिया आनंद, थोड़ा ऐसा लिंक कर लिया कि भीमबनाड आनंद, ऐसा भीमबनाड आनंद। तो भैया आप जब केरला जाते हैं, केरला को बोलते हैं ना सिटी ऑफ स्पाइसेस, मतलब मसालों का शहर, तो केरला में बहुत सारे जो मसाले जो आते हैं ना, फेमस है केरला मसालों के लिए, ये वाला हल्दी मिर्ची गरम मसाला सब के लिए कौन फेमस है, केरला। तो आप केरला के जब मसाले खाते हैं केरला में जाके, तो आपको आनंद आ जाता है। तो मुझे याद हो गया भैया कि भीमबनाड लेक इक्वल्स टू केरला, ठीक। आपको भी ऐसे याद आना चाहिए कि भीमबनाड लेक कि कहाँ है, ये केरला में है। गाइस यही तरीका है याद करने का, वरना मैं बता रहा हूँ ये अंड शंड से वर्ड हैं, अपन भूल जाते हैं, अपने को भूलना नहीं है, अपने को एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो तरीका कोई भी हो अपने को याद करना है, इसलिए मैंने ये चैनल पूरा ट्रिक्स की हेल्प से बताया, सारा का सारा जितने भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ मैं, सारे के सारे ट्रिक्स की हेल्प से करता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिले और आप आगे बढ़ पाएँ, ठीक। चलिए याद आना चाहिए भीमबनाड लेक केरला, आनंद जाता है कहाँ, केरला में, केरला के मसाले खा के, ओके। 10th है वूलर लेक, है ना, वूलर लेक ये है जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए गाइस जम्मू एंड कश्मीर वाले बहुत सारे हैं तो ध्यान रखिएगा, वूलर लेक कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए भैया मैंने वूलर को बना लिया कूलर, वूलर को क्या बना लिया, कूलर। अब भैया जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी इतना ठंडा है, उतनी ठंडी ठंडी शानदार हवा चलती है वहाँ, तो वहाँ कूलर की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपका एक ज़िद्दी सा दोस्त था, पगलू, बिल्कुल पगलू, बोल रहा भाई मैं तो कूलर ही लेके जाऊँगा जम्मू एंड कश्मीर में, कूलर चला के सोऊंगा। तो हम कह रहे अरे पागल है रे साले, कहाँ कूलर मूलर लेके जा रहा है तू, जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी ज़रूरत ही नहीं है कूलर की, ऑलरेडी इतना ठंडा है। वो कह रहा नहीं मैं तो कूलर लेके जाऊँगा। तो आप बस विजुलाइज़ करिएगा कि वूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, क्यों, क्योंकि वूलर कूलर से रिलेटेड है, अब कोई आपका दोस्त कूलर लेके जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ऐसे आप थोड़ा विजुलाइज़ करेंगे, कहानी बनाएंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक। आई होप आपको पसंद आ रहा हो, अगर गाइस पसंद आ रहा हो ना तो दिल से एक लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए, और अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन सा वीडियो समझ में नहीं आता, कौन सा पार्ट, मतलब कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स मैं ट्रिक्स की हेल्प से बताता हूँ, ट्रिक्स, जिससे आप एक ही बार फैन हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक। अब देखिए भैया 11th है डल लेक, ये कहाँ है, ये भी भाई जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। गाइज इसको कैसे याद रखेंगे, अब देखिए तरीका यह है कि यह है डल लेक के अंदर मैंने वर्ड उठाया दाल, दाल।
अब जम्मू एंड कश्मीर में आप गए तो भैया इतनी ठंडी रहती है, वहाँ चाय 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 कॉफ़ी यही मिलती है। तो आपका दोस्त, आप दो तीन दोस्त गए हो तो आपका दोस्त बोल रहा है यार काश दाल मिल जाती, दाल गरम गरम दाल मिल जाती, दाल चावल खाते बढ़िया मज़ा आ जाता है इस ठंड के मौसम में। ठीक है, तो बस मैंने ऐसे विजुअलाइज़ कर लिया कि भैया जम्मू एंड कश्मीर गए हैं अपने फ्रेंड्स लोग, तो आपका दोस्त बोल रहा है भाई दाल चावल मिल जाते ना तो मज़ा आ जाता, या दाल मिल जाती गर्म वाली। तो बस आप ऐसे याद करिएगा कि डल लेक कहाँ है जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, याद आएगा आपको पक्का पक्का याद आएगा। बड़ी मेहनत से मैंने ट्रिक्स सोची है दोस्तों। ठीक है, 12th है पुष्कर लेक, है ना, पुष्कर लेक ये कहाँ है, ये है भाई राजस्थान में है ना, राजस्थान में। ठीक है गाइस, एक और चीज़ इसके बारे में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुष्कर एक जगह है राजस्थान के अंदर, है ना, और यही एक ही जगह है, पुष्कर में ही है, दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो कि राजस्थान में है, पुष्कर जगह नाम की शहर में, जो मतलब ब्रह्मा जी का जो मंदिर है ना वो सिर्फ पुष्कर में है और दुनिया में और कहीं है ही नहीं। तो ये एक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी ट्रिक ये है भैया कि राजस्थान, पुष्कर लेक राजस्थान में। और दूसरी ट्रिक ये है दोस्तों कि जो राजा होते हैं ना, राजा लोग है ना, वो अपनी आर्मी को पुश करते रहते हैं कि जाओ एक काम करो, तुम यहाँ युद्ध करो, वहाँ युद्ध करो, यहाँ से कुछ जीत के लेके आओ, यहाँ से जीत के लेके आओ। ठीक, तो आप ऐसा विजुलाइज़ करिएगा कि राजा साहब ऑर्डर देते रहते हैं और पुश करते हैं अपनी आर्मी को कि जाओ युद्ध करो और वहाँ से धन लूट के लेके आओ। ठीक है, तो मुझे याद हो गया, आपको भी याद होना चाहिए, मैंने बता दिया गाइस, है ना, सारे के सारे ट्रिक्स के हेल्प से बता रहा हूँ गाइस, बड़ी मेहनत लग रही है। अगर आप पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा, और अगर कमेंट कर दोगे ना तो सोने पर सुहागा हो जाएगा भाई, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने कमेंट ही नहीं किया, मेरा नया चैनल है और कमेंट कोई करता ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वीडियो अच्छा है या बुरा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, एक लाइन में लिखो अच्छा है, नाइस, जो भी है, पसंद आया नहीं आया। ठीक, 13th है भाई नाल सरोवर लेक, है ना, ये कहाँ है, ये गुजरात में है दोस्तों। अब आपने मानसरोवर लेक तो सुना होगा, मानसरोवर है ना, ये सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध सुना है, वो कहाँ है, वो है गुजरात में। क्यों? क्योंकि सरदार सरोवर नाम से ही मतलब वो इसका वो किया गया उद्घाटन, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे, ठीक है, इसलिए वो सरदार सरोवर बांध है। तो ऐसे ही नाल सरोवर लेक है, तो है ना, वो भी सरदार सरोवर वाली कहानी से ही रिलेटेड है वो। ठीक है, तो अब वो भी गुजरात में है, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि सरदार सरोवर बांध जो है वो भी गुजरात में है और नाल सरोवर लेक वो भी गुजरात में है, आपको याद आना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, तभी आपका एक नंबर पक्का होगा गाइस। अब देखिए लास्ट है, सेकंड लास्ट है नैनीताल लेक, है ना, ये कहाँ है दोस्तों, ये है उत्तराखंड में है, कहाँ है, उत्तराखंड में गाइस, ये उत्तराखंड के अंदर ही ये नैनीताल नाम की जगह है, तो नैनीताल वहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में। और दूसरी ट्रिक ये है कि नैनीताल के अंदर बढ़ा रहा नैन, है ना, नैन। अब जैसे आपके दो दोस्त हैं, उनने खूब शराब पिए आज, है ना, रात में खूब शराब पिए उनने, तो आप सुबह जब उनसे मिलने गए तो आप उनके आंखों में देख रहे हो, उनके नयन में देख रहे हो कि इनका नशा उतरा कि नहीं, वो तो समझ में आ जाता है ना आंखों से कि इसने कितनी शराब पी होगी, नशा उतरा कि नहीं। तो बस ऐसे विजुलाइज़ कर लीजिए कि आप उनकी आंखों में जाकर देख रहे हो नयन में कि उनका नशा उतरा कि नहीं, तो आपको याद आना चाहिए कि भैया नैनीताल लेक उत्तराखंड में है। ओके, यही उसकी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। आई होप आपको पसंद आ रहा है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। 15th है पेरियार लेक, केरला में है, कहाँ है, पेरियार लेक केरला में है। अब आपको पता है कि केरला में ये पेरियार लेक है ही, है ना, पेरियार नदी भी वही है, केरला में ही है। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि पेरियार लेक कहाँ है, केरला में है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। ओके गाइज, मेरी तरफ से मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब आपकी बारी है कि आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज़ करें, आपको पक्का पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसके अलावा प्ले लिस्ट जरूर जाकर चेक करें, उसमें काफ़ी वीडियोज़ हैं सारे के सारे ट्रिक्स की हेल्प से। और गाइज लास्ट बात बता दे रहा हूँ कि भैया जितने भी सिलेक्शन होते हैं, जिन लोगों का एग्ज़ाम निकला है, वो सारे के सारे रिवीजन पर बिलीव करते हैं, बहुत बार रिवीजन करते हैं वो, इसलिए आप भी बार बार रिवाइज़ करिए और बिल्कुल मास्टरी अचीव कर लीजिए टॉपिक पे, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच, सिलेक्शन ज़रूर होगा, बस कंसिस्टेंट रहिए अपने गोल के लिए। ठीक है, क्योंकि सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे, है ना, किसी बहुत बड़े ऑथर ने बोला था ये। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें।